शरद पवार एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति के अधीन कर दिया। ऐसे में जैसे ही शरद पवार के इस्तीफे की खबरें सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी। आपको बता दें कि 82 वर्ष के शरद पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक हैं और उनके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। पिछली 2 मई को शरद पवार ने अपने इस जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींचने की कोशिश की और उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद से ही पार्टी के नेताओं में हलचल मच गई। हर कोई शरद पवार के इस फैसले से हैरान था, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह हुई कि शरद पवार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अपना फैसला वापस लेने के बारे में खुद शरद पवार ने बताया है। शरद पवार कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टी मेरे पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी मुझे अपना फैसला वापस लेने के लिए मुझसे अनुरोध किया, इसलिए मुझे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके अलावा 1 साल के भीतर आम चुनाव भी होने हैं, ऐसे में हटना ठीक नहीं होगा। हम विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए मैंने खुद को सोच समझकर तैयार किया था। मेरे पास अभी भी संसद में 3 साल हैं और मैं भविष्य में एक अच्छी टीम बनाने के लिए भी विचार में लगा हुआ था, जो राज्य और देश के स्तर पर एनसीपी की जिम्मेदारी ले सके। इसलिए मैंने अपने आप को आगे आने वाली पीढ़ी को मौका देने के लिए इस्तीफा दिया। फिलहाल शरद पवार अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं और अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा से निभाएंगे। शरद पवार के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।